Rien de plus. प्लाट में कई चिकन में नान से चटनी के साथ लटपट हो रही है। वाह 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 कंडीशन इज वेरी पुअर। आई मीन काम चलाने टाइप से। और ये तैयार है फ्राइड मैगी। थोड़ा स्मार्ट ईटिंग हो जाता था। यू डिड नॉट टेल मी व्हाट टू डू। आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग। मेरे को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे को पीरियड्स में भी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। एंड यस, फाइनली एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक विद द 24 आवर फूड चैलेंज। बट मैं चाहती थी बंगाली फूड फॉर 24 आवर्स पार्ट 2 करना, बिकॉज उसके काफी रिकमेंडेशन मेरे को आए हैं। बट सैडली महीने के इस टाइम पीरियड में, लाइक ये 3 से 4 दिन व्हेन आई एम ऑन माय पीरियड्स, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज आई कैन ईट एनीथिंग, आई कैन टॉक एनी शिट, आई कैन शाउट ऑन बिट्टू भैया एंड नोबडी इज गोइंग टू जज मी। इनफैक्ट नो प्रियंका, तुमको गुस्सा नहीं आएगा नो मैटर हाउ मेनी। I'm cool. So a big shout out and a big control. मैं हंसाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है? मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। With that said, आज के वीडियो का बिग शाउट आउट एंड अ स्पेशल बिग थैंक्स गोज टू विन्नी कन्नौजिया, बिकॉज शी और ही आई डोंट नो, उन्होंने मुझे किया है कमेंट टू ईट 24 आवर्स फ्राइड फूड चैलेंज। बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टिक टू योर फर्स्ट सजेशन। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। पहली बात, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग 20,000 लाइक टारगेट ऑन माय प्रीवियस वीडियो। विद दैट सेड, अगर आज के इस वीडियो में आप 24,000 का लाइक टारगेट विद इन 24 आवर्स कर देंगे, देन आई विल बी ब्रिंगिंग कार्टून कैरेक्टर फूड फॉर 24 आवर्स। Breakfast, I have got fried idli. Now when it comes to breakfast, now I am in love with South Indian breakfast. So normal idli to hum hamesha khate hain, aaj hum khayenge fried idli. And iske saath we have got vada. I love 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 vada. This is also crispy and fried. And I've got my favorite sambar. But before starting the food, it's very important that you keep hydrating. So abhi hum khayenge fried idli. ओह, यही प्रॉब्लम है फ्राइड का, देखो कितना तेल निकला है। आ नॉट बैड, सांभर के साथ खाऊंगे। अच्छा लग रहा है, एक अलग स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। नारियल का चटनी एक बार ट्राई करती हूँ, देख के टेम्पटिंग लग रहा है। दिस इज गुड, इनफैक्ट सांभर से ज्यादा नारियल की चटनी के साथ अच्छा लग रही है। बिकॉज ये जो इडली है फ्राइड इडली, दिस इज सॉल्टी एंड यू नो मेरे को स्टीम इडली ज्यादा अच्छी लगती है। नारियल की चटनी है ना, थोड़ी क्रीमी है, मीठी है एंड कोकोनटी टेस्ट है उसका, हल्का हल्का जो श्रेडेड कोकोनट का टेस्ट आ रहा है, इट्स टेस्टिंग फैबुलस। बस ठंडी है। इतनी सारी सब्जी, बहुत अच्छा लग रहा है यार। सांभर बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी लग रहा है और बहुत ही इसका जायका बहुत अच्छा लग रहा है। टमाटर का एक अलग खटास है, लौकी इज सो गुड सॉफ्ट, गाजर बीन्स बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत होम लाइक बना है। पता है आई लव साउथ इंडियन फूड, आई हैव बीन लव पता नहीं कब से, बट यस आई हैव फॉलन फॉर इट। ओ दिस इज कॉर्न वड़ा, इसके अंदर कॉर्न है। वाओ, लुक्स सो गुड। लेट्स ईट दिस विद द चटनी बिकॉज ये कोकोनट चटनी अच्छी लग रही है। इट्स गुड। बीच बीच में ये कॉर्न का टेस्ट आ रहा है, हल्का सा गुड क्रंच, स्वीट क्रंच आ रहा है, बट इडली ज्यादा टेस्टी था। वड़ा मेरे को उतना अच्छा खा, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो अभी फॉर माई लंच आई एम गोइंग टू मेक फ्राइड मोमोज। यहाँ पर मैंने सुमेरू का चिकन मोमोज दे लिया एंड सुमेरू का वेज मोमोज दे लिया। नाउ इसमें लिखा है 100% हलाल चिकन में, सो लॉट ऑफ फूड फैम आस्क मी। अब सारे खाने में मेरे को बताना पॉसिबल नहीं होते, बट इसमें ये मेंशन किया हुआ है। इसका प्राइस इज आपका 95 रुपीज एंड इसका प्राइस इज 115। आई थिंक मैंने पहले कभी शायद खाया हुआ है सुमेरू का, खाया है कि नहीं फूड फैम आप लोग बताओ, मुझे तो कुछ खाया पिया याद रहता नहीं।
दोनों का शेप सेम दिया है तो ये चटनी इसको थोड़ा सा वार्म कर लेंगे। वेज भी गोल है, शेप दूसरा करना चाहिए था। तो चलिए फ्राई करते हैं पहले चिकन वाला। उसको डिफ्रोस्ट कर लिए तो इसको अभी एक एक करके फ्राई करेंगे। सो ये तैयार है मेरा लंच, विच इज आई हैव टेकन फ्राइड मोमो, चिकन मोमोज, वेज मोमो। इसके अलावा भी और एक आइटम है जो मैं खाऊंगी, बट पहले इसको आराम से इत्मीनान से स्वादिष्ट तरीके से रेलिश कर लूँ। रेलिश को हिंदी में उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सो हम सबसे पहले खाएंगे वेज मोमो, क्योंकि प्लेट के सामने, चटनी के सामने वेज मोमो ही चटनी के साथ लटपट हो रही है। एंड आप अगर देखो उसके साइजेस बहुत छोटे छोटे मिनी मिनी से है। गर्म है, हाँ मेरे को डर लग रहा है गर्म है। मैं आपको चिकन मोमो दिखाती हूँ, चिकन मोमो थोड़ा ठंडा हुआ होगा। फ्राइड फूड के साथ यही है कि तेल बहुत इसमें रहता है। ओके नॉट बैड, फीलिंग इज क्वाइट गुड ना, लाइक काफ़ी, हाँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लाइक सिंपल प्याज एंड चिकन, मीन्स चिकन और कुछ नहीं है, बट ठीक है, लुक्स गुड टू मी। वेज मोमोज गर्म है तो क्योंकि उसको हमने अभी फ्राई किया है तो पहले चिकन मोमोज ही खाते हैं। वैसे आई थिंक नॉन वेज मोमो वंस की वो पहले मेरे मुँह में जाए। चिकन मोमो का फीलिंग इज गुड, स्ट्रीट स्टाइल, इट्स अ गुड फीलिंग। लाइक इसमें मिर्ची का भी अच्छा जायका है, चटनी भी अच्छी लग रही है। हाउएवर ये चटनी तो फ्रेश नहीं लग रही है जैसे ना मोमो स्टॉल में होती है, बट ठीक है चलाने टाइप से, आई मीन काम चलाने टाइप से। गुड, बहुत जूसी मोमो है, इसके अंदर का फिलिंग भी काफी डिसेंट है। देखते हैं वेज मोमो का फिलिंग, वेज मोमो का फिलिंग तो बहुत ज्यादा है, पहले ही निकल गया। इसके अंदर एज यूजुअल पत्ता गोभी है, गाजर है, बट आई थिंक ये वाला इसमें ना सोयाबीन भी डाला हुआ है आई थिंक। वाओ दिस इज सो गुड, वेज मोमो चिकन मोमो से ज्यादा अच्छा है। एंड इसके अंदर का जो फिलिंग है ना, दैट्स पत्ता गोभी एंड गाजर एंड एवरीथिंग, एंड चटनी के साथ तो और ज्यादा अच्छी लग रही है, क्रिस्पी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम छोटे छोटे है ना, छुटकू सा मोमो, इसका तो शेप भी बहुत क्यूट है, बड़े प्यार से मुंह में चले जा रहे एकदम पुचुक पुचुक करके। वैसे तो इतना फ्राई किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, स्पेशली मुझे जहाँ मैं ऑलरेडी इतना मेहनत कर रही हूँ फॉर माई फिटनेस, बट दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ इस पीरियड में कुछ भी चलता है। सो खाने खाते वक्त तो सोचो मत, जब खा रहे हो अगर बहुत मन कर रहा है तो खा लो, बाद में वर्कआउट करके उसको बर्न कर लेना, बट जिस मोमेंट खा रहे हो उस मोमेंट तो फुल्ली 100% डिवोशन के साथ उसके साथ इन्वॉल्व रहो। द नेक्स्ट आइटम फॉर माई लंच आई हैव गॉट इज फ्राइड चिकन, ये है पेरी पेरी फ्राइड चिकन। ये मैरिनेट में पेरी पेरी मसाला डाला या फिर फ्राइड चिकन के ऊपर पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल कर दिया हो। एंड इसके साथ आई हैव गॉट डबल डाउन बर्गर बिकॉज केएफसी में अभी अवेलेबल नहीं। क्या हाल है डबल डाउन बर्गर का? इसका डाउन वाला अप हो गया। ये बर्गर का क्या हाल है? अपसाइड डाउन बर्गर, अपसाइड कुछ भी बोल रहा है बिट्टू। आई डोंट नो फ्राइड चिकन कैसा है, मैं केएफसी का ही मंगा लेती तो ठीक रहता, लोकल का मंगा के पता नहीं, एक तो मैं चीट मील कर रही हूँ, तो भयंकर वाला चीट मील कर रही हूँ, उसमें भी मैंने ये लोकल वाला मंगा लिया। एक्चुअली केएफसी खा के बोर हो गई तो मैंने सोचा कहीं और का ट्राई कर लेती हूँ, बट ठीक है पेरी पेरी मसाला का तो पता नहीं, बट ये डेफिनेटली चाट मसाला फ्राइड चिकन मेरे को लग रहा है, बिकॉज इसमें चाट मसाला डाला तो बहुत नमकीन है, तो इसके ऊपर मैं डालूंगी अपना केचप। केचप भी लोकल केचप लग रहा है। डेफिनेटली केएफसी फ्राइड चिकन जैसा तो नहीं है, बट इतना भी खराब नहीं, लाइक ओके टाइप से काम चलाओ टाइप से। ऑल्सो इसका जो ऊपर का जो ये बैटर लेयर है ना, विच इज लाइक वेरी थिन, बहुत हल्का क्रिस्प है, लाइक ये स्किनी चिकन नहीं लग रहा है मेरे को। केएफसी का जो फ्राइड चिकन होता है उसका लेग पीस होता है स्किन वाला चिकन होता है, विच इज लाइक फैबुलस, आई जस्ट लव, उसमें एक अलग सा यू नो फ्राइड फैटी जूसी टेस्ट आता है। सो ये उसके साथ तो मैं कंपेयर नहीं करूंगी, बट ठीक है कुछ भी चलेगा मेरे को अभी फिलहाल इस पीरियड में। बिट्टू बोला अपसाइड डाउन हो गया है, आई डोंट नो क्या हो गया है,
ऊपर से मेयोनीज और प्याज डाला है, नीचे चीज, अंदर चीज वगैरह डाला हुआ है. मैं इसका ओटी करके आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि इसका कंडीशन इज वेरी पुअर. तो आई जस्ट सिंपली डिग इट. नॉर्मल लोकल जगह से फ्राइड चिकन खाने का कोशिश की हूँ. एक भी अच्छा आउटलेट नहीं है KFC छोड़ के जो अच्छा फ्राइड चिकन बेचता होगा. आई रियली वॉन्ट टू ईट गुड फ्राइड चिकन. गाइज आप लोग कोलकाता से जो लोग हो प्लीज मेरे को कोई रिकमेंड करो अच्छा फ्राइड चिकन वेयर आई कैन गेट यू नो जूसीएस्ट गुड फ्राइड चिकन. एक मेरे ऑफिस के पास था QFC या WFC एक जगह का नाम था, उसका फ्राइड चिकन वॉज वेरी 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 गुड. दैट्स अ लोकल शॉप. उसके अलावा I hardly get anywhere, so please let me know. This is from Bahubali. Never try Bahubali ka fried chicken. It's not good. Well, अभी हो गया है इवनिंग स्नैक्स टाइम और अभी मैं खाने वाली हूँ माई फेवरेट मैगी. यस हम खाएंगे फ्राइड मैगी. वेल ये मेरी मम्मी का रेसिपी है. तो सबसे पहले मम्मी करती है मैगी को बॉयल, बॉयल करके मैगी को अलग कर लेगी. उसके बाद वो करेगी अपना कमाल. मम्मी का कमाल मत दिखाओ. मम्मी का कमाल के लिए सबसे पहले हम करेंगे बनाएंगे अंडे की भुजिया. दोनों अंडे की अच्छे से बनाएंगे भुजिया. ऊपर से गई नमक. एक अंडा दो अंडा. दोनों अंडे की बनाएंगे अच्छे से भुजिया. अब अंडा की भुजिया बनाने के बाद हम करेंगे फ्राई कैरेट बीन्स एंड कैप्सिकम. ये गैस में मिर्ची, अगर आपको चाहिए तो आप खाओ, अगर नहीं चाहिए तो मत खाओ. और ये गैस के अंदर बॉइल्ड मैगी. इसके अंदर वो अंडा का भुर्जी. अब इसमें गया मैगी मसाला. अब इसको अच्छे से मिक्स एंड फ्राई कर लीजिए. और ये तैयार है हमारा फ्राइड मैगी. ना इसमें आप चाहो तो कोई भी वेरिएशन देके बना सकते हो एज पर योर चॉइस. आप सॉसेस डाल सकते हो, एनीथिंग, एनी वेजीज, एनीथिंग. हाउएवर मेरी मम्मी ऐसे ही सिंपल बनाती है और मेरी सिंपल मम्मी की तरह मेरी मम्मी की सिंपल मैगी बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू मामा. वेलकम. Wow, this looks amazing. Woohoo! My evening snacks is ready and this is fried maggi which is one of my favorite. However, इसे एक सेमी हल्की सी ग्रेवी वाली भी आती है फ्राइड मैगी जो मेरी मम्मी बनाती है which is like yum. So now let's just dig in. एक मिनट तू एक बात बता. तू तो फ्राइड राइस भी खा सकती थी. थोड़ा स्मार्ट ईटिंग हो जाता तेरा. फ्राइड मैगी में क्या प्रॉब्लम है? मैगी में मैदा होता है. You do not tell me what to do. You do not tell me what to do. ये एक्सट्रीम सूखी वाली तेरे को पसंद है ना? मम्मी ने तेल भी कम डाला है. और थोड़ा तेल होता ना तो और मजा आता खाने में. इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. मैगी इज लव फॉर एवर. और आज इस वीडियो के बहाने मैंने सोचा मौके पे चौका मारी लेते हो खा ले तो मैगी इतना देर जा रहा बिकॉज पता नहीं फिर कब खाने को मिले ना मिले. एंड वैसे भी आई एम ईटिंग दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम. आई डोंट रिमेम्बर लास्ट मैंने मैगी कब खाया होगा. आई लव यू सो मच. आई लव यू सो मच. यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मैगी इज इसमें सब्जियों का क्रंच काफी अच्छा लगता है एंड दैट फ्राइड एग दैट ऑल्सो टेस्ट वेरी गुड. समटाइम्स यू नो नॉर्मल फ्राइड ऑमलेट, लाइक ऑमलेट खाने में भी एक अलग सा मजा आता है. हाउएवर आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सब्जी डालती है. ये तो फिर भी थोड़ा कम है आज की वीडियो में क्योंकि मैगी दिखना था. अदरवाइज इससे भी ज्यादा सब्जी डालती है. मतलब एक पैकेट मैगी में, ये तो दो पैकेट मैगी है, उस मैगी में मम्मी इतना सारा सब्जी डालती है. यू डू नॉट लिमिट योर सेल्फ विद दिस थ्री वेजेस ओनली. यू कैन ऐड कॉर्न, यू कैन ऐड बेबी कॉर्न, यू कैन ऐड जुकीनी, यू कैन ऐड कैबेज एंड यू नो पुट इन अ लॉट ऑफ वेजीज. यू कैन ऐड सॉसेजेस, यू कैन ऐड चिकन चंक्स, पुट इन अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक प्रोटीन, फाइबर, एवरीथिंग. And then little bit of carbs in the form of Maggi. उसके बाद तो फिर सोचना ही नहीं है. The Maggi masala will do its magic to the overall taste of the fried Maggi. A few moments later. Not feeling good because I'm unable to do exercise and you know walk. And आजकल ऐसा हो गया है कि बिना वर्क एंड एक्सरसाइज के लाइफ फील सो इनकम्प्लीट. वी आर गोइंग टू वॉच 777 चार्ली. आई हैव सीन द ट्रेलर, आई हैव शेयर्ड द पोस्टर एज वेल एंड आई रियली वांटेड टू सी द मूवी. सो टुडे वी आर गोइंग टू वॉच द मूवी. यस आखिर मुझसे चाहता क्या?
प्यार चाहता प्यार। अगर आज घर आया तो पक्का वापस जिंदा नहीं जाएगा। कितना प्यार है। ऐसे प्यार करता नहीं है लड़के को, और अभी प्यार आ रहा है लड़के पे। मैं तो सिंधु का हमेशा प्यार करता हूं। नहीं। Change you back. So yeah, we watched the movie and Bittu ne jo mere ko iska trailer dikhaya tha, tab I have cried so much that I decided that I'll not go and watch the movie because I'll, you know, I'm a very emotional weak person. Somehow me, my mom and Bittu bhaiya decided to go and watch the movie. However, jo movie ka storyline hai wo mere ko already back in 2020 mein samajh mein aa gaya tha jab maine Sinzu ko liya tha. But then when I studied the entire thing jo is movie mein bhi dikhaya gaya hai, उस टाइम से आई हैव, आप लोगों को पता ही होगा, सडनली आई स्टॉप्ड ब्रिंगिंग सिंजू मच इन माय वीडियो, क्योंकि आई डिड नॉट वांटेड एनीबॉडी टू गेट इन्फ्लुएंस टू गेट टू बाय डॉग, क्योंकि जब मैं सिंजू से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोस डालती थी तो अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क मी कहां से लिया क्या लिया। उस टाइम से लेके अभी तक जब भी किसी के भी मैं डीएम्स पढ़ती हूँ जो मेरे वीडियोज देख के दे विश टू बाय सिडज़ू और दे विश टू बाय एनी डॉग, व्हेन आई से बाय, तो हमेशा मैंने हर किसी को बोला है ऑन डीएम्स, पर्सनली मैंने उनको रिप्लाई किया है कि प्लीज डू नॉट बाय, रादर अडॉप्ट, नोइंग द क्रक्स ऑफ द बिजनेस, हाउ दिस बिजनेस टेक्स प्लेस, आई फेल कि बाइंग इज नॉट द थिंग एंड इज समथिंग विच आई डोंट वॉन्ट टू सपोर्ट, तो बेटर मैं सिंजू को ज्यादा वीडियोज में लाऊंगी नहीं, और मैं इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन लाइक मैं सिंजू को कैसे देखती हूँ, मैं सिंजू को क्या खिलाती हूँ, डॉग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज पे टॉपिक ना बनाऊंगी ना मैं ज्यादा शेयर करूंगी, तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा मेरे वीडियो, एटलीस्ट मेरे से। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग कि इन्वेस्ट योर स्क्रीन टाइम वाइजली, सो या प्लीज 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 प्लीज, और आज तक कभी आप लोग इतना प्लीज नहीं बोला, प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी, प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी। अभी हो गया है नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टाइम। यस, मैंने डिनर नहीं किया क्योंकि मैं नॉर्मली डिनर नहीं करती हूँ बिकॉज मैं एक दिन में इतना नहीं खा सकती, तो अभी मैं ये जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि फिर इसके बाद मेरे को एडिट करने बैठना है, क्योंकि आप लोग ये वीडियो आज ही देखोगे शायद, होपफुली अगर मैं 6 बजे तक अपलोड कर पाई तो। इट्स अ चैलेंज एंड आई लव चैलेंजेस। सो यहाँ पर आई हैव गॉट अ फ्यू आइटम्स फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड शंघाई सोशल, नाउ दिस इज गुड गुड प्लेस। यहाँ से मैंने 2 फ्राइड आइटम मंगाया है, एक मैंने मंगवाया वेज फूड फैम के लिए विच इज शंघाई स्पेशल वेज स्प्रिंग रोल, लुक्स वेरी टेम्पटिंग, क्रिस्पी लोडेड, लॉट ऑफ वेजीज इनसाइड, मेरे को कैबेज दिख रहा है, कैरेट दिख रहा है, कैप्सिकम दिख रहा है, वाओ, नूडल्स भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लुक्स वेरी 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 टेम्पटिंग। इसके अलावा आई गॉट दिस आइटम विच इज लाट मे क्रेई चिकन, पता नहीं मैंने नाम बहुत बार मेन्यू में देखा है, कभी खाने का सोचा नहीं, बट आज मैंने सोचा खा ही लेते हैं यार। सो दिस इज बेसिकली पैनको फ्राइड चिकन and you know tossed with garlic spring onions, so looks super good, so I think I'll eat this one first with the spring roll. We have got the sweet chili dip, to ye main baad mein khaungi, pehle main ye lat me ke chicken kha rahi hu, mere ko nahi pata aapne kabhi khaya hai ki nahi, bataiye। This is like quite crispy, garlicky, spring onion-y, meaty, juicy, very nice, and ऊपर का जो crust है ये काफी अच्छा लग रहा है, it's little savory in taste, इसको थोड़ा सा मैं sweet chili sauce के साथ खाऊंगी just to have a, you know, combination of flavors into my mouth. Spicy, tangy, sweet, garlicky, I love garlic, I love spring onion. Yaar, if you guys have not tried this lat me ki chicken, I don't know what is this. Definitely give this a try. You'll love it. You'll love it. You see one thing that they have used breast pieces of chicken, जो मुझे ज़्यादा पसंद है because बहुत chewy होता है, but you know it's perfectly cooked and it's very soft and tender. And आप देखो ये जो ऊपर का जो crispy batter भी है, बहुत ज़्यादा battery नहीं है। Now let's try the Shanghai special veg spring roll, looks tempting. So इसको तो sweet chili dip के साथ खाना बनता है। Spring rolls normally क्या थोड़ा oily होता है ऊपर का वो sheet, because oil पूरा you know soak कर लेता है। बाहर का layer is crispy flaky and अंदर is so stuffed, it's spicy, it's मज़ेदार, it's चटपटा, it's super good, very nice food यार। कितना ज्यादा स्टफिंग है यार। आई लव सब्जी, आई लव सब्जी एंड आई लव सब्जियों का क्रंच वेरी मच। आई लव विनी कनौजिया फॉर सजेस्टिंग मी टू ईट फ्राइड फूड, आई एम फीलिंग गुड, आई लव सब्जियों का क्रंच वेरी वेरी मच। वाह 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 वाह।
and my joke is not good. So this was all about eating fried food for 24 hours. I hope you enjoyed this video. If you do so, then make sure to complete the target of 24,000 likes in 24 hours. Then I will be bringing cartoon character food for 24 hours in my next video. Because next video shayad Delhi food aayega or something. But next to next video pakka se. So fir chaliye hum milenge next time. Till then happy eatings. Bye bye.